मुल्तान में चिकन पॉक्स दर उठाने लगा। चिकन पॉक्स में मुब्तला 10 बच्चे निस्तर अस्पताल चिल्ड्रन वार्ड में दाखिल। बच्चों का इलाज करने वाले दो डॉक्टर्स भी शिकंजे में आ गए। डॉक्टर्स को बीमार होने पर छुट्टी पर भेज दिया गया। डॉक्टर्स की बीमारी जाहिर होने की सूरत में फौरी इलाज के लिए रुजू करने की हिदायत। ये एक वायरस जजीदा वायरस इलाज दोस्तों इसे कहते हैं। ये यकल यक होती है, एक्यूट होती है, तो जैसे ही यानी कि एक से दो दिन में 24 से 48 घंटे में ये जहर हो जाती है। जैसे ही ये जहर हो तो कोशिश यही करनी चाहिए कि दूसरे बच्चों से सेपरेट कर लिया जाए और फौरन करीबी हॉस्पिटल में लेके जाए। जनूबी पंजाब शदीद गर्मी की लपेट में, बहावलपुर में गर्मी के बायस गैस्ट्रो के मरीजों में इजाफा। जिला भर के अस्पतालों में गैस्ट्रो के 500 मरीज रिपोर्ट हुए। ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी गलती थी। चिल्ड्रन अस्पताल में 35 बेड्स पर 100 बच्चे जरे इलाज। 5 माह से 65 बेड्स का वार्ड तैयार। स्टाफ की भर्ती न होने से गैर पास, डॉक्टर्स की दौड़ें, वालिदैन परेशान। एक नहीं, दो नहीं, 10 रोज बीत गए। टीचिंग अस्पताल डेरा गाजी खान की दोनों डिजिटल एक्सरे मशीन खराब। मरीज डिजिटल एक्सरे प्राइवेट करवाने पर मजबूर। इलाज के लिए भी सिफारिशें। मियांवाली के अस्पतालों से गुस्से काटने की वैक्सीन गायब। वालिदैन ने मदद के लिए डीसी ऑफिस का दरवाजा खटखटाया तो इलाज हुआ। रूरल हेल्थ सेंटर वहां भचरा से वैक्सीन नहीं मिली। इंचार्ज ने धक्के देकर अस्पताल से निकाल दिया। वालिदैन का शिकवा, हेल्थ अफसरान मौके देने से इंकार। सिटी बचेगी, मैदान सजेगा। पीएसएल 5 के तमाम मैचेस पाकिस्तान में होंगे। मुल्तान में क्रिकेट के शिदाई भी हो जाए तैयार। मुल्तान के ग्राउंड में भी लगेंगे छक्के चौके। विकेटें गिरेंगी, कैचेस पकड़े जाएंगे। पीएसएल 5 के मैचेस के लिए मुल्तान भी शॉर्टलिस्ट। चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी का बड़ा ऐलान। मैं जब अब बात कर रहा हूँ दूसरे मुल्कों से, वो सिर्फ पाकिस्तान में क्रिकेट, चाहे वो एसीसी इवेंट हो, आईसीसी इवेंट हो, बायलैटरल सीरीज हो, जो हमारी ख्वाहिश है कि वो सारे पाकिस्तान में हो। का विफाकी बजट पेश, मगर जनूबी पंजाब सब सिविल सेक्रेटेरिएट का जिक्र तक मौजूद नहीं। विफाक की जानिब से बड़ा मंसूबा नजरअंदाज। सेक्रेटेरिएट के बजट के लिए कल पेश होने वाले पंजाब बजट का इंतजार। शहरे औलिया में औलिया के मजारात जबहाली का शिकार। सैयदा बीबी फातिमा दरबार टूट फूट का शिकार। दरबार का फर्श और मुल्तानी काशीगरी टूटने लगी। चार दीवारी भी मुनहदिम। नामुनासिब बैठने की जगह के बाय जायरीन मुश्किल का शिकार। एसटीओ आर्कियोलॉजी गुलाम मोहम्मद का कहना है अगले साल दरबार की मुरम्मत का काम शुरू कर दिया जाएगा। ओवरऑल जब पंजाब लेवल पे हमारा बजट बनता है ना, तो उसमें फिर इसको दूसरों जो इससे ज्यादा खस्ता हालत थे उनको प्रेफर किया गया था। पिछले साल हमारा इससे खस्ता हालत में था शाह हुसैन सदो जई, उसके लिए हमें फंड दिए गए थे, लेकिन मुल्की हालात के पेशे नजर फिर उस रिलीज नहीं हो सके थे। तो अगले साल इन दोनों पे काम शुरू करेंगे। मुल्तान का महकमा सेहत हुकाम की तवज्जो का मुंतजर। सालाना बजट 2018-19 खत्म। सोशल वेलफेयर को मुस्तहिक मरीजों के इलाज के लिए ज़कात फंड ताहाल फराहम न किए जा सके। फंड न मिलने से अद्वियात और टेस्टों की सहूलत से महरूम। बहावलपुर हॉकी के शौकीन नौजवानों के लिए खुशखबरी। वजीर आला पंजाब ने हॉकी स्टेडियम में ऑस्ट्रो ट्रफ एक्सपायर होने का नोटिस ले लिया। महकमा स्पोर्ट्स को फौरी तौर पर नई ऑस्ट्रो ट्रफ का तखमीना लगाकर बजट मंजूरी के लिए भिजवाने की हिदायत। बहावलपुर के शहरी प्रॉपर्टी टैक्स की मद में 1.5 करोड़ रुपए के डिफॉल्टर निकले। डिप्टी डायरेक्टर एक्साइज राव जावेद कहते हैं कि वसूली के लिए क्रैकडाउन जारी है। 30 जून से कबल टारगेट हासिल कर लेंगे। डेरा गाजी खान में शादी की तकरीब में जाने की ख्वाहिश, नौजवान के लिए बन गई अजाब। शाह सदर दीन में उबाश लड़कों ने आरिफ नामी नौजवान की मूछें और बाल मूंद डाले, तशद्दुद भी किया। फुटेज रोही को मौसूल। मुतासर शख्स की हुकाम से इंसाफ की अपील। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तो बाल कटे नहीं पाओ, फिर मुच्छा मुन्ने ने, देर बिट्टे मुन्ने ने, कुट्टे ने, वो क्या पता है रिश्तेदार हैं उन्हें माँ शादी तो मेरा प्यार में मैं वो कहाँ डाई नहीं शादी क्यों मेरा पे। कमिश्नर मुल्तान इमरान सिकंदर बलोच की शहर भर में वॉल चौकिंग के खिलाफ ऑपरेशन को तेज करने की हिदायत।
म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अमले की जानिब से पीर खुर्शीद कॉलोनी और 8 नंबर चुंगी से वॉल चौकिंग को हटा दिया गया। महकमा एंटी करप्शन रहीम यार खान की कार्रवाई, 94 फिनाल सरकारी रकबा वाखुसार करा लिया गया। डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन सैयद अयूब बुखारी ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। मियांवाली में जारी डॉक्टर्स, नीम हकीमों और अताइयों के खिलाफ क्रैकडाउन, ड्रग इंस्पेक्टर्स और हेल्थ अफसरान के मेडिकल स्टोर्स, लेबोरेटरीज और क्लिनिक्स पर छापे, मुतादिद मेडिकल स्टोर्स, लेबोरेटरीज और क्लिनिक सील कर दिए गए। कहरोड पक्का में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन, मोजा गोल, मोजा हरदू तहीन और शाहजमाल में छापे मारे गए। एक दिन में बिजली चोरी के 5 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। कोटद्दू में महकमे लाइफ स्टॉक की कार्रवाई, 2 कसाबों से मुजर सेहत गोश्त बरामद, मुलजमान मौके से फरार, कसाब के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बहावलपुर में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां, इश्तेहारी, जवारी और गैर कानूनी असलहा रखने वाले मुलजमान गिरफ्तार। रिहाड़ी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों का प्रेस क्लब के सामने एहतजाज, मुजाहरीन कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी समेत दीगर रहनुमाओं की गिरफ्तारियां हौसले बस्त नहीं कर सकती, अवाम अपने कायद के शाना बशाना खड़े हैं। कौन सा शरीफ में भी पीपल्स पार्टी के कारकुनान का मुजाहरा। नया निजाम काम करने का नया अंदाज, नए लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में कैसे चलना है, डीसी ने अफसरान की मीटिंग बुला ली, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जिला काउंसिल, म्यूनिसिपल कमेटियों का जायजा लिया, रिकॉर्ड मुरतब किया। रोही की खबर पर कोटद्दू इंतजामिया मुतहरिक, 32 हलकों में तरक्याती काम शुरू, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस और कचहरी को जाने वाली मेन गली में सोलिंग लगने के काम का आगाज। कमिश्नर डेरा गाजी खान, असदुल्ला फैज की डिवीजन भर के हेल्थ और एजुकेशन अफसरान से वीडियो लिंक मीटिंग, चारों असला के डिप्टी कमिश्नर ने ब्रीफिंग दी, कमिश्नर ने चारों डीसी को मराकजे सेहत के अचानक दौरों के टास्क भी दे दिए। शेख जैद मेडिकल कॉलेज रहीम यार खान में मजीद पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कॉलेज के लिए कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन पाकिस्तान के वफ्द का दौरा, वफ्द ने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में तालीमी निजाम और मैयार का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान का टीचिंग अस्पताल का दौरा, मुख्तलिफ वार्ड्स में मरीजों की अयादत की जेर तकमील, 370 बेड के सेंट्रल एयर कंडीशन तौसी मंसूबे का जायजा लिया, काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल तौसीफ अहमद का सिविल अस्पताल अहमदपुर शर्किया का दौरा, मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया, सफाई और अद्वियात की फराहमी का रिकॉर्ड चेक किया, एमएस डॉक्टर अब्दुल गनी शेख और डॉक्टर औरंगजेब की जानब से ब्रीफिंग फराहम की गई। आरपीओ बहावलपुर इमरान महमूद का पुलिस खिदमत मरकज का दौरा, सालीन से बातचीत की, स्टाफ से भी मुलाकातें की, आरपीओ का पुलिस खिदमत मरकज की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल अशफाक अहमद चौधरी की जेर सदारत इजलास, 30 जून से कबल रेवेन्यू फीस और आबियाना के बकायाजात की वसूली हर मुमकिन करने की हिदायत, रेवेन्यू फीस की रिकवरी और जरई चेक की वसूली का जायजा लिया। मुल्तान निश्तर अस्पताल से अद्वियात कोट बुट करने का मामला, हाईकोर्ट मुल्तान बेंच में एमएस डॉक्टर आशिक मलिक की दरख्वास्त जमानत पर समाअत वकील की रुख्सत के बाद 25 जून तक मुलतवी कर दी गई। उधर मुल्तान अदालत में फ्रॉड केस की समाअत, शहरियों से लाखों रुपए लूटने वाले 2 मुलजमान को मुमताजाबाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। बहावन नगर के इलाके माड़ी चकोका में 2 ग्रुपों में तसादुम का मामला, डीपीओ माराथर ने वाके का नोटिस ले लिया, एसएचओ को मैरिट पर तफ्तीश करके कार्रवाई का हुक्म। रहीम यार खान में ख्वाजा सरा रहमत पर तेजाब फेंकने वाला मुलजिम रहमान गिरफ्तार, शीला के उकसाने पर रहमान ने रहमत पर तेजाब फेंका, एसपी इन्वेस्टिगेशन राणा मोहम्मद अशरफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तहकीकात में शामिल अफसरान के लिए तारीफी असनाद और नकद इनाम का ऐलान।
आरपीओ मुल्तान वसीम अहमद खान ने खानेवाल के शहीद कांस्टेबल मोहम्मद इकबाल के अहल खाना को इमदादी चेक दिया। आईजी पंजाब की हिदायत पर शहीद के वर्षा को 1,75,00,000 रुपए का इमदादी चेक दिया गया। रहीम यार खान ने कपास और तीले की फसल के लिए सब्सिडी पर खादें और बीज फराहम करने के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल जारी। रजिस्टर्ड किसानों को हेल्पलाइन के जरिए खादें और बीज फराहम किए जाएंगे। एसबीआर के जरिए एहतमाम ई लाइब्रेरी मियावाली में एसेट डिक्लेरेशन स्कीम 2019 के हवाले से सेमिनार। कमिश्नर सरगोधा एसबीआर असद अजीज ने सदारत की। टैक्स की अदायगी के लिए ताजरों को आगाही दी गई। डिप्टी कमिश्नर एसबीआर कुदरतुल्ला खान और ताजरों ने शिरकत की। आसानियां दोगे तो आसानियां मिलेंगी। जामे जिक्रिया मुल्तान के माजूर अफराद की राहें होंगी हमवार। माजूर अफराद के लिए रास्तों पर 10 रैंप बनाने का फैसला। आलमी मयार के मुताबिक पहली रैंप का अफ्तताह वाइस चांसलर डॉक्टर तारिक महमूद अंसारी ने कर दिया। और नौजायदा बच्चों को अमराज और अमवात से बचाने के लिए निस्तर अस्पताल मुल्तान में वर्कशॉप। डॉक्टर्स को बच्चों की फौरी पैदाइश के बाद इलाज के हवाले से ट्रेनिंग दी गयी।